दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चटोरा शैंकी में। तो दोस्तों, आज हम लेकर चल रहे हैं आपको साउथ इंडियन फूड, जो कि एक फेमस जगह ग्वालियर अड्डे पर है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है साउथ इंडियन वैरायटी के अंदर। तो दोस्तों, देखते हैं आपकी क्या है फेमस चीज़ है और यहाँ पर क्या फेमस भैया बनाते हैं। तो भैया, क्या क्या बनाते हैं आप? मसाला डोसा, ठीक है, ओनियन डोसा, पनीर डोसा, इडली वड़ा, अमूल बटर में बनता है। अमूल बटर में। दोस्तों, सबसे मेन बात, थोड़ा सा आप यहाँ पे व्यू करेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ कितना हाइजीन तरीके से इन्होंने साफ सुथरे तरीके से बिल्कुल से तवे को अच्छे से रख रखा है। और मेन बात है, यहाँ पर सब अमूल बटर में मिलता है। तो एक तो भैया, आप क्या खिलाएंगे हमें सबसे पहले? नहीं, जो आपके पास फेमस हो सबसे अच्छा। मसाला डोसा भैया बना रहे हैं, और देखिए कैसे मसाला डोसा बनता है। तो देखिए दोस्तों, ये भैया मसाला डोसा बना रहे हैं। ओह, ये गया अमूल बटर, वाह जी वाह। देखिए दोस्तों, बिल्कुल प्योर अमूल बटर, और इसके साथ साथ पूरा ही सफाई का ध्यान रखा हुआ भैया ने। कोरोना का टाइम चल रहा है, बट फिर भी मैं देख पा रहा हूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से मेंटेन है। तो आप दिखाइए एक बारी हमारे व्यूअर्स को। तो दोस्तों, अगर आप भी आए तो एक बार जरूर आए। वाह जी वाह, क्या वाह, फुल मखनी कह सकते हैं इसको, फुल बटर डोसा। आप देख पा रहे हैं अभी भैया ने आलू, अरे वाह जी वाह, प्याज, क्या शानदार, क्या बहुत बढ़िया नज़ारा। भैया देख के बहुत तेज़ भूख लग रही है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें। वाह भैया, टमाटर, और इसके बाद भैया चीज़ कौन सा डाला आपने? पनीर। ये पनीर है, कौन सा यूज़ करते हैं आप पनीर? नॉर्मल करते बनाते हैं। और ये क्या चीज़ है भैया? ये मसाला, चटपटा मसाला। ये चटपटा मसाला है भैया ने अभी डाला है। वाह जी वाह, सांभर डाल रहे हैं भैया अभी, बहुत ही सफाई से, बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीज़ें यूज़ कर गई हैं अभी भैया ने, सांभर यूज़ किया है। वाह जी वाह, और ये साथ में, ये भैया कौन सी चटनी है? ये टमाटर की चटनी है, ठीक है भैया। और साथ भैया यूज़ करते हैं इसके साथ नारियल की चटनी। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं डोसा बनकर आ गया है, और मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है डोसे को देखकर। मैं अभी आपको टेस्ट करके बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। जितनी जेन्युइन खटास होनी चाहिए एक सांभर के अंदर, उतनी प्रॉपर खटास है, जैसा एक सांभर का टेस्ट होना चाहिए बिल्कुल वैसा है टेस्ट। इसके साथ साथ अब मैं नारियल की चटनी को टेस्ट करके बताऊँगा। नारियल की चटनी सुपर सुपर, मज़ा आ गया। और मैं थोड़ा सा टमाटर की चटनी को खा के देखता हूँ, इट्स एवरेज, ठीक है, मतलब बेकार नहीं कह सकते, टाइम पास के लिए चलेगी। जैसा दोस्तों मैंने आपको दिखाया था, ये बिल्कुल अमूल बटर के अंदर है बटरी डोसा। अमूल बटर का प्योर टेस्ट, क्रिस्प पूरा इसके अंदर फील आ रहा है मुझे, और बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों, आप जब भी ग्वालियर अड्डे वाली साइड आए तो ज़रूर आए, साउथ इंडियन फूड शॉप नेम इज़ साउथ इंडियन फूड। तो दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ का डोसा एंजॉय किया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा टेस्ट आया। भूख अभी भी थोड़ी सी रह गई है, तो सोचा जाए कि यहाँ का कुछ और ट्राई करें। तो समझ में आया कि एक बारी मेन्यू देखते हैं और यहाँ का स्पेशल क्या है। तो आइए चलिए मेन्यू को देखते हैं। तो दोस्तों, आपने जैसे वीडियो में देखा मेन्यू में, तो यहाँ का एक स्पेशलिटी और है, वो है उत्पम। तो दोस्तों, देखेंगे भैया उत्पम को कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद हम उत्पम एंजॉय करेंगे। सो हम आ गए हैं, अब देखते हैं भैया कैसे उत्पम बनाते हैं। भैया बना रहे हैं उत्पम? हाँ। तो देखिए हमारे व्यूअर्स को दिखाइए उत्पम यहाँ पे कैसे बनता है। भैया ये उत्पम किस चीज़ का बनता है जी? प्रेस का ही बनता है, मतलब पनीर और ओनियन प्रेस।
पनीर और ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये चावल का, ये चावल का है जो उत्पम है, बिल्कुल साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। ये चावल का, चावल के आटे से बनता है भैया, ये चावल के आटे से बनता है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। अच्छा भैया ये किस में, मक्खन होगा या घी में होगा? ये प्याज डाला है इसके अंदर, वाह जी वाह, दिल खोल कर भैया ने प्याज डाला है इसके अंदर, देख के मज़ा आ गया प्याज को, वाह जी वाह, वाह जी वाह, भैया ने खूब सारा इसके अंदर प्याज डाला है। और अभी और भैया इसके अंदर एक अमूल मक्खन पूरा डलेगा भैया मक्खन। तो दोस्तों थोड़ी सी एक्सरसाइज करके ही आना, ये भैया बिल्कुल पूरा का पूरा मक्खन डाल देते हैं इसके अंदर। अगर आप अपनी हेल्थ का अच्छा ध्यान रखना चाहते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट करके आए, आपको खाने में एक अलग ही मज़ा आएगा। वाह जी वाह, देख सकते हैं दोस्तों आप कितना डिलीशियस दिख रहा है, वाह जी वाह। ये भैया ये क्या चीज़ डाली है आपने साथ में? मसाला। ये भैया का आपका खुद का बना हुआ मसाला भैया ये? वाह जी वाह, ये भैया का खुद का बना हुआ। भैया ये मसाला किस चीज़ का बना होता है? ये सांभर मसाला नहीं होता? ठीक है ठीक है, सांभर तो आप ये खुद ही तैयार करते हैं घर में? ये भैया ने सांभर मसाला डाला है इसके अंदर, वाह जी वाह। भूख थोड़ी सी लगी थी लेकिन जैसे मैं देख पा रहा हूँ उत्पम को, उनको फिर से भूख लग गई है, तो बनने में इसको 10 मिनट लगेंगे भैया। तो दोस्तों ये बहुत लो आंच पे बनता है क्योंकि उत्पम की जो थिकनेस है वो एज़ कम्पेयर टू डोसा बहुत ज़्यादा है, और उत्पम को बनाने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। और भैया से इस बीच थोड़ी सी बात करते हैं, भैया तो आप दिन में कितने एक डोसे सेल कर लेते हैं? क्या बताए, 100 हो जाए, 80 हो जाए, जैसे भैया की स्पेशलिटी है। भैया बता रहे हैं 100 डोसे से कम इनकी मिनिमम सेल है, हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि क्वालिटी को भरपूर मेंटेन किया गया है, अच्छे से पनीर डाला गया है। देखिए भैया कैसे दिल खोल के पनीर डाल रहे हैं इसके अंदर, अभी ये उत्पम को पलट रहे हैं दूसरी साइड से, वाह जी वाह, भरपूर अच्छे तरीके से पक गया उत्पम। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये डोसे की पैकिंग हो रही है, बिल्कुल ही हाइजीन तरीके से डोसे को पैक किया जा रहा है कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि डोसा घर तक जाते तक कुछ इसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस ज़रूर आएगा, लेकिन जो पैकिंग है बहुत अच्छे तरीके से की गई है इसकी, वाह जी वाह। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप, अब इसके ऊपर पनीर जा रहा है, अरे वाह भाई भरपूर भैया ने तो पनीर से भर दिया है, वाह जी वाह, अमूल मक्खन के साथ पनीर डालता हुआ अभी इसके ऊपर वेट डाल रहे हैं टमाटो, और ये इसके बाद अनियन हो गया। मतलब भैया ये उत्पम कम पिज़्ज़ा कह सकते हैं, मैं सही बोल रहा हूँ ना भैया? ये दोस्तों उत्पम कम पिज़्ज़ा ज़्यादा लग रहा है, वाह जी वाह, चाइनीज़ मेयोनीज़ को छोड़कर इसके अंदर प्योर देसी क्वालिटी का मटेरियल डाला है, भैया का खुद का बनाया हुआ पनीर है इसके अंदर। तो दोस्तों अभी हम टेस्ट, तो दोस्तों उत्पम हमारे सामने हैं, हम टेस्ट करेंगे उत्पम का टेस्ट कैसा है। उत्पम कम यार ये तो मुझे पिज़्ज़ा लग रहा है, तो अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि चावलों का बना हुआ ये उत्पम कैसा है टेस्ट में। दोस्तों एक बात तो है इसके अंदर, इसका जो बेस है बहुत हैवी है, अगर आप पिज़्ज़ा पूरा कंप्लीट खाते हैं फर्स्ट तो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। ये चावल है, चावलों के आटों से बना हुआ है, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इससे भी आपका पेट कंप्लीट भरेगा।